तो दोस्तों हमने ना जो कल कबूतर पकड़ा था ना, ये बैठा है सामने, और ये ना जब से हमने पकड़ा है बहुत ज़्यादा चुप चुप सा है, और अभी तक इसने हमारे किसी भी कबूतर के साथ दोस्ती नहीं लगाई है, और ना इसको अपनी बैठने की जगह मिल पाई है। कल हमने इसको इसमें बंद कर दिया था, है ना, तो भी इसको जगह नहीं मिली, तो भी अलग अलग सा बैठा रहा था कोने में जाके। और अभी ये क्या करता है दोस्तों, जब भी हम इसको खोलते हैं, हमने सुबह से खोला था, तो यहाँ से जाता है वहाँ जाकर सामने कोने में बैठ जाता है। मैं दिखाता हूँ, देखो इन्होंने दोस्तों यहाँ बैठ जाता है और यहीं पर बीट शीट करता रहता है बस, और कभी कभी यहाँ से हट जाएगा तो फिर इस वाले कोने पर बैठा रहेगा वहाँ उस साइड में। दोस्तों ये ना बहुत चुप चुप सा रहता है, इसको ऐसे देख करके यूँ अजीब सा, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यार इसको ना, हमने कल इसको टेप लगा दी थी, कभी इसको टेप लगाने की वजह से ये ऐसा कर रहा हो तो हमने इसको आज़ाद कर देते हैं। अगर इसको यहाँ रहना होगा तो रहेगा, वरना ये चला जाएगा दोस्तों, है ना। और बाकी आप देख सकते हैं कोई ऐसी, मतलब जैसे हमारे भाई कबूतर, देखिए हमारा राजा कितनी मस्ती कर रहा है हमारे ऊपर, सुल्तान कितनी मस्ती कर रहा है, बाकी सब कबूतर मस्ती में कर रहे हैं हमारे, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल चुपचाप सा है और जाल की तरफ देखे जा रहा है। तो ऐसे ही कर लेते हैं दोस्तों इसको ना, हम लोग इसके टेप वगैरह खोल देते हैं और फिर इसको हम जल्दी से रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं सभी, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम से फर्स्ट क्लास होंगे। तो दोस्तों आज हमने ये मन बना लिया है कि हम ना इस अपने नए कबूतर को आज इसकी टेप खोल देंगे जो कि हमने कल पकड़ा था। बहुत से भाइयों ने बताया कि ये मद्रासी कबूतर है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी नस्ल का कबूतर है, मगर दोस्तों अच्छी नस्ल तभी बेहतर होती है अपने यहाँ पर जब वो ठीक से मस्ती करे, खेले कूदे, सबसे दोस्ती लगाए, मगर ये जनाब है किसी से दोस्ती लगाने के लिए तैयार ही नहीं है। चलिए छोड़ते हैं फिर इनको, रिलीज़ करते हैं, और अगर इन्हें रुकना होगा तो यहाँ रहेंगे, वरना हम इन्हें आज़ाद कर देंगे, चले जाओ तुम्हें जहाँ जाना है, ठीक है, इतना इनको परेशान नहीं करेंगे। तो देखिए फिर देखिए दोस्तों, वो जगह वहाँ सुस्त बैठ गया बेचारा, तो हमने इसको छोड़ेंगे अब, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको रिलीज़ कर देते हैं। दोस्तों मैं ना इसके पर खोल देता हूँ, अभी रुकिए आपको दिखाता हूँ। ये कल मैंने टेप लगा दी थी, तो अभी इसके टेप हम हटा देंगे ताकि ये जो कबूतर है अपने आप अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जी सके, ठीक है ना। तो अगर हमें पता होता तो ये इस तरह से रहेगा, तो फिर उनको शायद टेप भी हमको कल ना लगाते, उनको कल ही से आज़ाद छोड़ देते। पर चलो कोई बात नहीं, अभी एक ही दिन हुआ था, फाइनली हमने इसकी टेप हटा दी, और देखिए इसके विंग्स खोल गए हमने, और साइड वाली टेप भी हटा देते हैं। तो भाई इसकी मर्जी है, इसको रहना ही रहेगा, और इसकी मर्जी है इसको जाना है तो ये चला जाएगा, है ना। और मैं इसकी टेप खोल देता हूँ दोस्तों, ये मैंने इसकी टेप भी, बाकी भी टेप मैंने खोल दी है। तो चलो भी, तुम अब आज़ाद हो, तुम जा सकते हो, तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, और जाना है तो जाओ। तो चलिए दोस्तों, हम इसको आज़ाद करने लगे, और ये जाना चाहेगा तो चला जाएगा। तो वैसे दोस्तों मैंने ना इसकी टेप को खोल दिया है, अब मैं दिखाता हूँ आपको, वो देखिए वहाँ पर उधर वो जाकर वहीं कोने में बैठ जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इसी कोने को इसने पकड़ा हुआ है, मगर ये भागा नहीं है हमारे यहाँ से अभी तक, और हम देखेंगे कि थोड़ा इसको छेड़ कर देखते हैं, कभी ये सोच रहा हो कि भाई इसने, इन्होंने हमारे पंख जो है बांधे हुए हैं। उत्तरी, ये किसका अंडा है, गाइस यहाँ पर मैंने भी देखा एक अंडा आया पड़ा है, अब ये पता नहीं अंडा है किसका यार। यार ये तो यार कमाल हो गया यार, ऐसे कैसे चलेगा पता यार, ये अंडा किसका हो सकता है, ये अंडा हमारी सिम्मी का भी हो सकता है, और बाकी कबूतर हैं उनमें से किसी का भी हो सकता है, क्योंकि बाहर जब मैं छोड़ गया था तो सिम्मी हमारी उस वक्त बाहर थी। चलो ऐसा करते हैं, इस अंडे को ना हम रख देते हैं सोनी टोकरी में यहाँ पर, है ना, या सिम्मी के घर में रख देते हैं, देखते हैं अगर सिम्मी इस अंडे पर बैठेगी तो सिम्मी इसको जरूर फेंकेगी। तो अभी मैंने सिम्मी के घर में अंडा रख दिया है, उसके बाद हमारी एक कबूतर और थी अंडा रखने वाली थी, वो ये वाली थी, तो हम यहाँ से इसको हटा करके अगर ये नहीं सकेगी तो इसके नीचे रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ताकि ये सेक सके इस अंडे, इस अंडे को। चलिए जी मैं दिखाता हूँ आपको कबूतर कहाँ गया, किधर गया भाई, किधर चला गया। तो दोस्तों मुझे भी वो कबूतर ना दिखाई नहीं दे रहा है जो कि हमने इसके इवेंट्स खोले थे, शायद वो भाग गया यार, मैं उस अंडे के चक्कर में लग गया और मुझे लग, वो कबूतर हमारी छत से चला गया। देखो कहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं 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 गाइस वो है, गाइस वो देखिए वो बैठा हुआ है उधर, और ये भागा नहीं है, इसके पर मैंने खोल दिए हैं, और ये तो पहले से ज़्यादा अच्छे दाना खा रहा है, ये कैसे हो सकता है दोस्तों। वरना तो ये तो बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस में फील कर रहा था स्ट्रेस, बट फाइनली अभी वो बिल्कुल एक्टिव सा ये दिख रहा है पर खोलने के बाद।
दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि इसके जो है हमने पर बांधे थे इसलिए इसने ऐसा किया हो, बाकी अभी इसके विंग्स खुल गए हैं तो शायद ये बिल्कुल सही रहे। तो हमने इसको उड़ाने की कोशिश अभी की नहीं है, भागना होगा तो अपने आप भाग जाएगा, और नहीं भागना होगा तो कोई बात ही नहीं यहाँ रहेगा, है ना। अभी हमें उस अंडे की टेंशन होगी कि वो अंडा किसका है दोस्तों। अगर वो अंडा यार हमारे किसी कबूतर का है, मतलब सॉरी हमारे किसी ऐसे जोड़े का है जो कि ब्रीड पर था काफ़ी टाइम से, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमने उसको उसमें रख दिया है सिम्बी के खाने में, जो कि सिम्बी जो है हमारी उसने अभी तक काफ़ी दिनों से अंडे नहीं रखे हैं। अब मैंने तो आकर ये भी नहीं देखा था कि कौन कौन से, यार बड़ा ही घुसड़ा मुचड़ा सी हो गया। चलो खैर कोई बात नहीं, देखेंगे जो भी इसे सेगा हम उसको इसके नीचे रख देंगे, बाकी हम दोबारा इंतजार करेंगे कि दूसरा अंडा हमारे कबूतर कब रखते हैं ना। उससे क्या होगा दोस्तों, उससे ये होगा कि हमें पता चल जाएगा ये अंडा कौन से कबूतरों का है और हमारी जो कौन सी जोड़ है जिसके जो इस अंडे की असलियत में हकदार है ना, इस अंडे के माँ बाप कौन है। तो उसके लिए हम थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तकरीबन एक दिन भी करना पड़ सकता है, दो दिन भी करना पड़ सकता है। जब दूसरा कोई जुड़ा अंडे रखेगा हम समझ जाएंगे कि ये ना उसी का अंडा इसने पहले रखा था, है ना। तो बस हमें इंतजार करना है इसमें। और वैसे आजकल सुल्तान भी रावी के पीछे खूब लगा हुआ है, वो उसको बोल रहा है कि आप अंडे वगैरह रखवाओ तो मैं भी एक बार फिर से अपने बच्चों को पाल सकूं। पर रावी कहे कि उसकी सुनी नहीं रही है, वो दाना खाने है मस्त है। तो दोस्तों एक ये फीमेल थी हमारी जो कि पानी पी रही है, ये फीमेल भी हमारी जो है ना इस वक्त ऐसा था कि जोड़े में है, तो उसका जो मेल है वही बहुत ज़्यादा दिन से इसको पुश कर रहा था अंडे रखने के लिए। तो अभी इसको इस पर जो दबाव था, हो सकता है ये बाहर रह गई हो तो इसका भी अंडा हो सकता है, वो देखेंगे। चलो अगर उस टोकरी में एक अंडा आ गया एक दो दिन बाद तो उसको उठा के बाहर रख देंगे, अगर एक अंडा उसी में आ गया तो फिर इसका मतलब वो उसका ही अंडा है, या जो भी है वो देखेंगे बाद में, है ना। और अभी हमारा जो पंजाबी बच्चा है दोस्तों, जैसा कि मैंने कल दिखाया था आपको, काफ़ी ज़्यादा प्यारा होने लगा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने लगा है। पर मैं देखता हूँ दोस्तों ये ना इसकी एक बाजू नीचे लटकी रहती है, नीचे लटका कर बाजू को बैठता है, ये क्या वजह है समझ नहीं पा रहा हूँ मैं अभी तक कि हमारा जो ये बच्चा है जब इसकी जो बाजू है वो नीचे क्यों लटकी रहती है ये ऊपर के। ये दोनों सामने इसके माँ बाप है दोस्तों, दोनों के दोनों ही, जो कि बड़े ही प्यारे और बड़े ही खूबसूरत है दोस्तों। और बाकी आज सारे कबूतरों को मैंने दाना उस साइड में डाला है, ताकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छत गंदी हो रखी है और ये वहाँ दाना साफ में चुग सके, तो वही ये लोग कर रहे हैं, दाना साफ जगह खा रहे हैं। अभी कोशिश ये रहेगी कि हमने एक दिन में पूरी छत को साफ करेंगे, काफ़ी ज़्यादा बीट शीट भी हो गई है तो जिसकी वजह से धूप। अच्छा एक बात हो रहा है, पहले क्या था ठंड में क्या था कि हम लोग ना हैंड टू हैंड बीट को साफ कर दिया करते थे मतलब शाम तक, क्योंकि बीट सूखती नहीं थी। अब जैसे जैसे धूप पड़ रही है ना भी लोग बीट करते हैं, एक दो घंटे बाद वो सूख जाती है और चिपक जाती है। देखो पूरी फाइबर पर चिपक गई है, पूरी छत पर चिपकी हुई है। तो एक दिन सर्फ ला करके आजकल में ही इसको साफ करेंगे दोस्तों हम लोग, है ना। और अभी हम इसको भी खोल देते हैं, ग्रेटी हमारा अंदर है, और मैं आपको दिखा दूँ कि दुबाज का जो बच्चा है वो भी काफ़ी बड़ा होने लगा है। सामने देखिए इस बार इसका कलर बड़ा खूबसूरत आया है दोस्तों। इसका एक बच्चा पहले निकल चुका है इस दुबाज का, और इस बार ये भी निकला, ये भी बड़ा प्यारा है दोस्तों। और ये दोनों लाल बच्चे आप देखेंगे, दोनों ही दिन प्रतिदिन बड़े होते जा रहे हैं। और इस बार इस बच्चे के, हमारे येलो बच्चे के आप देखेंगे पैर में हल्के हल्के वाइट विंग्स से, मैं दिखाता हूँ, सॉरी ऐसी विंग्स से जैसा ब्राउन है वैसी कलर के। मगर हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि किसी बच्चे के जो कि ब्राउन है उसके पैरों पर बाल आने लगे हैं, विंग्स आने लगे हैं ना। और इन लोगों ने अपनी फ्लिस ख़त्म भी कर ली है फटाफट से। बाकी वो देखिए दोस्तों सामने की तरफ, वो बच्चा फिर से वहीं जाकर बड़े आराम से बैठ गया है ना, वो देखिए आराम से। दुआ कीजिए दोस्तों ये ठीक रहे हमारे यहाँ और हेल्थी रहे। इसकी पिन हमने खोल दिए हैं, मतलब जो टेपिंग की थी हमने, अब इसको हम ऐसे रहने देंगे। और आजकल मैं क्या देख रहा हूँ कि दोस्तों वो देखिए हमारी जो झुंडी है सामने अंडों पर बैठी हुई है, उसने दोनों अंडे, वो टोकरी इनको मैंने दी थी अंडे रखने के लिए, मगर इनका क्या काम है, ये लोग अंडे रखते हैं नीचे, पूरी टोकरी छोड़ करके इन्होंने घोंसला नीचे बनाया और दोनों अंडे नीचे रख दिए। और इस बार इन अंडों का जो बाप है, मैं दिखाता हूँ कौन है, इससे जो जोड़ा लगा है वो ये वाला मेल है। हमारी झुमरी ने अपने जो इसका मेल पिजन था उससे जोड़ा तोड़ करके, देखिए वो वहाँ कोने में दाना खा रहा है हरे वाले बॉक्स के पास, उससे जोड़ा तोड़ करके इस नए वाले परिंदे से जोड़ा लगा लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और मैं करूँगा इनके बच्चे भी इतने ही खूबसूरत निकलेंगे हमारे यहाँ। और दोस्तों वो देखिए आज हमारे राजा की कितनी मस्ती चल रही है, आज अकेला इतनी मस्ती कर रहा है कि क्या बात है। वो देखिए उधर चला गया उड़ करके सामने, पूरा दिन इनका ये चलता रहता है, बस मस्त रहते हैं यार। इनको देखकर हम भी मस्त रहते हैं, क्योंकि अगर परिंदे मस्त है तो सीधी सी बात है हम भी मस्ती हैं, क्योंकि इनके लिए इतना टाइम वेस्ट करते हैं, इतना ज़्यादा इनके लिए टाइम, सॉरी इनको इनके लिए इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, और अगर ये खुश नहीं है तो फिर बेकार है, है ना। और आजकल ये जो मैंने अभी आपको पंजाबी जोड़ा दिखाया था, इसके माँ बाप भी आजकल काफ़ी ज़्यादा मिल रहा हीट पर आ रखे हैं। वो देखिए मेल बार बार फीमेल को पुश कर रहा है एक बार फिर से अंडे रखने के लिए, इनकी मस्ती चालू हो गई है। जब भी यूँ आप समझ लें कि झगड़ा होना आपस में मेल अपनी फीमेल को ज़्यादा मारे, तो उसका मतलब यही होता है, जैसे कि आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताया था पहले। जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बता देता हूँ मैं कि वो कह रहा है कि आप अंडा रख दें जल्दी से, और ताकि मैं भी अपने बच्चों को बड़ा कर सकूँ, है ना।
कबूतर कहता है अपनी कबूतरी से। तो बाकी गिरेटी पानी पी रहा है वो देख सकते हैं आप। और ये था जी वो वाला मेल जिसके बारे में आपको बता रहा था, इसकी फीमेल वो बैठी है सामने, इसको जोड़ा टूट चुका है, अब इस वाले मेल ने जोड़ा लगा लिया है। बाकी जोड़ा वही बहुत खूबसूरत था और ये भी कबूतर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मद्रासी बच्चा आज दोपहर उड़ गया था दोस्तों, इतना उड़ा इसको बुलाना बड़ा भारी पड़ गया। वहीं हम लोगों ने आज दोपहर में क्या देखा कि आज दोपहर में खूब सारे कबूतर उड़ रहे थे दोस्तों, खूब सारे। उधर की साइड से एक चील आई वहाँ से और यहाँ पर आकर के हमारे छत के जस्ट ऊपर से, मैं दिखाता हूँ यहाँ से आकर 5-7 कबूतर उड़ रहे थे, हमारे तो नहीं थे खैर उनमें, हमारे कुछ साइड में थे। और एक चील जैसा परिंदा था वो आया और उसने आकर झपट्टा मारा एक कबूतर पे, वो वाइट कबूतर था बिल्कुल किसी का, उसको लेकर चला गया। और लेकर दिखाता हूँ मैं कहाँ गया, वो सामने उधर दो टावर देख रहे हैं आप, उस साइड चला गया लेकर वो, वहाँ सामने वो टावर देखे मैं दिखाता हूँ वो देखें। और भाई ले जाता रहा उस कबूतर को, और ऊपर से उसने उसको ना उसको खाना चालू कर दिया उसका, उसके पंख नीचे गिरने लगे, झड़ने लगे नीचे, जैसे वो देखो ऊपर एक कबूतर उड़ रहा है वहाँ पे, इस तरह से इतनी ऊंचाई पे था वो कबूतर, पंख गिरने लगे उसके नीचे। उसके बाद एक चील उधर से आई, इधर की साइड से, उसने उसे झगड़ा करने की कोशिश की मगर उसने फिर भी उसे छोड़ा नहीं, शायद वो उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, बट फाइनली उसको लेकर चला गया और टावर से भी बहुत आगे चला गया, फिर वो आया ही नहीं। पता नहीं किस भाई का वो कबूतर था। और मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है दोस्तों कि यार ये कबूतर जो है जिसका भी था घर आज पहुँचेगा नहीं, वो बड़ा वो बंदा इंतजार कर रहा होगा कि मेरा कबूतर अभी तक आया नहीं है, और फिर उसके बाद उसे बड़ा दुख होगा जब उसे पता चलेगा कि वो कबूतर घर ही नहीं पहुँचा। बट मैंने लाइव देखा दोस्तों कि उसने कबूतर तो उसको अटैक किया और अटैक करने के बाद उसको मार दिया दोस्तों। खैर बाकी सारे कबूतर आपके सामने मस्ती कर रहे हैं, सारे कबूतर बहुत ज़्यादा खुश हैं हमारे, आप लोगों की दुआओं से यूँ ही दुआ बनाए रखिएगा। जिन्होंने जिन्होंने दाना खा लिया है वो यूँ ही दाना खाने के बाद अंदर गए हैं, बच्चों को दाना खिलाना भी चालू कर दिया है अपने अपने, और जिन्होंने नहीं खाया वो खा लेंगे। और मैं दिखा दूँ जैसा कि मैंने इसके पर खोले दिए हैं दोस्तों, तो इसके पर खोलने के बाद आप लोग ज़रूर बताइएगा क्या मैंने अच्छा डिसीजन लिया है या गलत, और जो भी है क्योंकि जैसी इसकी स्थिति थी मुझे जैसा लगा बेहतर मैंने वैसा कर दिया। बाकी आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो बताइए इसके विंग्स खोल के मैंने टेप हटा के अच्छा क्या है गलत, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो बस दोस्तों यही था आज का वीडियो आप लोगों के लिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।